हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दवाओं की एक्सपायरी के बाद अगर उस दवा को इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा, क्या आपको नुकसान देगी, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इससे लेकर बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन बने रहते हैं, क्यूरीज बनी रहती है। तो उन सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको आज मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो हम आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाए हैं दोस्तों, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल से हमारे जुड़ जाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और सभी को पता होना चाहिए कि अगर एक्सपायरी डेट के बाद हम कोई भी दवा इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं। एक आम आदमी भी इसके बारे में समझ सकता है, क्योंकि दवाएं आजकल 90% लोग या 95% लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो सभी को पता होना जरूरी है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से है या नहीं है, सबको पता होना जरूरी है। एक्सपायरी होने के बाद दवाओं का जो असर होता है दोस्तों, वो कम होने लगता है। जैसे मान लो अगर किसी की एक्सपायरी नवम्बर की है, अब मान लो हम उसे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में यूज करते हैं, तो उस दवा का जो असर है वो काफी कम हो जाता है। बायो अवेलेबिलिटी जिसको बोला जाता है, तो वो कम होने लगती है। ऐसा समझे, जब कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में आती है, जब कोई भी बीमारी होती है, तो उस टाइम पर हम दवाएं लेते हैं, तो उस टाइम पर जो दवाएं दी जाती है उनके वजन को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, बीमारी के हिसाब से ये दवाएं दी जाती है। जब मान लो कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन अगर उसको देते हैं, एक्सपायरी दवाई अगर वो लेता है, तो उस कंडीशन में उसको बहुत ही कम रिजल्ट मिलेगा, या हो सकता नहीं भी मिले उसको रिजल्ट। तो इसलिए मेरा यही कहना कि एक्सपायरी दवाएं उसको ना दें। अब बहुत सारे लोगों का ये एक मिथ बना रहता है कि एक्सपायरी मेडिसिन लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा हमको नुकसान दे सकती है, डेथ हो सकती है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन इतना जरूर है कि इस दवाओं का काम करना बंद हो जाता है, मतलब बहुत ही कम काम करती है। अब जब मान लो काम ही नहीं करेंगी, तो हमारे किस काम की वो मेडिसिन, किस का क्या यूज होगा उसका, जब काम ही नहीं करेगी। तो हम जो दवाई ले रहे हैं वो ठीक होने के लिए ले रहे हैं, अब जब काम नहीं करेगी तो ठीक कैसे होंगे। तो इसलिए कोई फायदा है नहीं एक्सपायरी मेडिसिन का। अब जो है सिरप के जब एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स, जैसे मान लो कोई सिरप है, अब सिरप अगर एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें काफी सारे बैक्टीरिया, काफी सारे माइक्रोब्स ग्रोथ करने लगते हैं, तो वो हमारी बॉडी को हानिकारक पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। तो इसलिए दवाओं की एक्सपायरी के डेट के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये होता है दोस्तों कि एक्सपायरी करनी चाहिए, एक्सपायरी दवाइयों का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने सब कुछ एक एक चीज हमने आपको बताया, काफी अच्छे से समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।